आपको हमने शुरू से सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, मैं उधर से देख रहा था कि आप लोग मेरा नाम ले रहे हो, ये ब्लॉग में आ गए, आप देख लेना। ओके, अच्छा मैंने जो है ना जिंदगी में पहली दफ़ा हाथी देखा, इतना बड़ा भी ज़ियाद भाई के साथ हम लोग आए हैं रूम में, और लाइफ में पहली बार इतना बड़ा है यार, ये तो मुझे तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा। खिलाने वाले अच्छा खिला दो, पूरा पूरा खिला लें, एक एक करके। डर लगता है भाई, डर लग रहा है आपको? यार ये मुझे मेरा YouTube की तरफ से 10 मिलियन का प्ले बटन मिल गया। यार सबसे पहले तो ये देखो कि मेरा ये न्यू ड्रेस मैंने लिया आज, प्यारा लग रहा ना मैं। और दूसरी बात ये कि आज जो है ना मेरा आखिरी दिन है इस जगह पर, यहाँ की बहुत ज्यादा याद आएगी। मेरे लिए ये सब कुछ जो है ना बड़ा नया एक्सपीरियंस था, मतलब इस जगह पर, ऐसी जगह पर आना और इतने दिन यहाँ पर रहना, और बड़ा अच्छा लगा। सल्ले अलादा विरद पका के हथ मुर्शद दे डोर फड़ा के जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। यार पूरा घबरा रहा, उसी सारा मैं घूमता रहा हूँ जितने दिन भी आ रहा हूँ, तकरीबन 8-9 दिन यहाँ पे था मैं, तो बहुत ज्यादा याद है यहाँ की। मिस यू गवर्नर हाउस। जैद के बाबा से भी अभी अभी थोड़ी देर पहले मिल के आया हूँ, उन्होंने जितने लोगों से भी मुझे मिलवाया है बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस खुद करवाया मुझे, और वो हैं खुद भी बहुत अच्छे हैं, जैद भाई भी बहुत अच्छे हैं, गवर्नर हाउस के सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैद भाई से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद जैद भाई की तबीयत भी ख़राब है और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जैद भाई की तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा मुझसे मिल नहीं सकते, मेरे लिए देखो बेड से खड़े हो गए कि हसान भाई जा रहे हैं एक दफ़ा मिलूँ। और ये जैद भाई का छोटा भाई है तैमूर नाम है, कहा है तैमूर आई एम गोइंग, तैमूर आई एम गोइंग ऊपर लटक गए। तैमूर से महीने से महीने 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 हसन हसन से सब्सक्राइब राइट नाउ। बहुत अच्छा लगा, फिर जिंदा रहा तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। 12 या 13 घंटे लगेंगे मुझे जाने में, तो इतनी देर तक गाड़ी में बैठना पड़ेगा। فبدوت شخصا اخر كي اتفاخر। यार पिछले 15 घंटे लगातार गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, शक्ल बिल्कुल अजीब सी हुई है। अभी मैंने कहा चलो घर से किसी को बुलाता नहीं लेने के लिए, पैदल चला जाता हूँ, तो पैदल घर जा रहा हूँ। और अभी घर पैदल जा रहा हूँ तो मुझे याद आया कि डाक खाना जो है ना वो रास्ते में आता है, तो मैंने कहा चलो मेरा पिन कोड आना था यूट्यूब की तरफ से, तो मैं वो भी पता कर लेता हूँ, तो शायद आ गया हो, लेकिन काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा मुझे। अगर ना मिला तो फिर आप लोग जो है ना आमीन एक दरवाज़े पर भी बोल देना, क्योंकि जब आप लोग आमीन बोलते हो तो मेरा काम हो जाता है। हालांकि कराची से आ रहा हूँ लेकिन अपना शहर जो है ना अपना अपना सही फील हो रहा है। ये मेरे हाथ में दो गवर्नर हाउस के बैग्स, जो शील्ड दी थी मुझे गवर्नर साहब ने वो, और एक जैद भाई का गिफ्ट है वो, और डाकखाने से मैंने पता किया मेरा पिन कोड अभी तक नहीं आया, तो जब अब आप लोग आमीन बोल दो कि पिन कोड आ जाए मेरा, जब आप लोग आमीन बोलते ना तो मेरा काम हो जाता है। एक मेरी मम्मा की दुआएं और एक आप लोगों की दुआएं मुझे कामयाब कर रही हैं, लेकिन अभी मेरा पिन कोड नहीं आया। ये मेरा छोटा भाई, क्या हाल है आप? ठीक हो? ये आपकी दुआओं की वजह से ये कहाँ तक पहुँच गया है, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सही। ओके, तो मैं जो है ना वहाँ से आने के बाद घर में सबसे मिल के थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के सो गया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, 15 घंटे का सफ़र किया मैंने बैठ के, तो अभी मैं जो है ना फ्रेश वगैरह हूँ, नमाज़ पढ़ी है मैंने जाकर, और अभी जो है ना छोटे मोटे काम करने में बाहर जा रहा हूँ उनके लिए, तो हो सकता है पेट्रोल पंप वालों से भी जा रही। अच्छा मैंने आप लोगों को अपना घर नहीं दिखाया अभी तक, अभी आप लोगों को बस थोड़ा बहुत नजर आया होगा बैकग्राउंड में। अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है और रोड में हम लोग खड़े हैं, अभी पैदल जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप तक और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। देख लो भाई पेट्रोल खत्म हो गया, रोड पे जो है ना मैं और मेरा छोटा भाई पैदल घूम रहे हैं। मान लो और सारे मुझे देखे ना हंस रहे हैं भैया यहाँ पे पेट्रोल डलवाने। मान लो भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल खत्म हो गया, पैदल लाना पड़ेगा। इमली और आलू बुखारे वाला शरबत बनाना ऐसा है ना, मैं कहता हूँ बस ठीक है, गला खराब हो जाए फरन। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा हो गया, बड़े दिनों के बाद आया हूँ आपके पास। गुड शॉट ब्रदर। मैंने मंगवाए दो फ्लेवर, मेरा भाई बोल रहा है कि मेरे वाला मजा का नहीं, चेंज कर देते। मैंने कहा आधा आधा पी के जो है ना चेंज करते हैं, आधे का मजा मैं ले लूँ इसका, आधा फिर आप ले लें। मैं अपने भाई से वापस ले रहा हूँ। हाय ब्रदर, ऊपर आओ, ऊपर आओ, नीचे नहीं जाना, ऊपर आओ। क्या ये मुंह बनाया हुआ, किस वजह से बनाया हुआ है?
क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। ऊपर आओ ना फिर, जल्दी से ऊपर आओ, बात सुनो। क्या वीडियो बनानी है? ऊपर आओ। क्या वीडियो? छत पे आओ। अब अपनी बना लो। नहीं, आपकी साथ आएगी। नहीं। ऊपर आओ। ये जो है ना, मेरे बाबा घर में पौधे वगैरह लगाते रहते हैं शौक से अपने, तो ये थोड़े से सूख गए हैं, ख़राब हो गए हैं, पानी नहीं इनको सही तरह से डाला, गर्मी भी ज़्यादा है ना, धूप होती है छत पे। और ये कुछ पौधे नीचे भी पड़े हैं। और ये हमारे घर की छत है, थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, अभी ज़्यादा नीचे से सही है नहीं, अभी दिखाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, हवा चल रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदों से उड़ा नहीं जा रहा, ये देखो चील वापस जाती है। जब कराची से वापस आ रहा था तब कराची में ऐसा वेदर था, और अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा ही वेदर हो रहा है। मेरा ब्लैक सूट जो है ना सफ़र वाला था, और एक दिन मैंने मजीद पहन लिया तो मैंने चेंज कर लिया, अभी कपड़े धुल रहे हैं, मेरे मम्मा धो रही हैं। क्या खा रहे हो? हाँ ना, आप कपड़े साफ रखते हो अपने, ना आप अपनी हालत सही रखते हो, सारा दिन गलियों में आवारा करती हो। और ये क्या खा रहे हो ये बताओ? गौला। गौला क्या होता है? गोला। गौला गौला। कौन सा फ्लेवर है ये? काला खट्टा। मेरी बात माननी है कि नहीं माननी? नहीं माननी। मैं आपका इलाज भी कर सकता हूँ, है मेरे पास एक इलाज, आपको भेजते हैं बोर्डिंग स्कूल, भेजें। ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है, लग रहा कहीं से? नहीं लग रहा ना? यस बॉय। नहीं लग रहा। और नीचे आओ, अपना घर दिखाते हैं। कोई बात नहीं, जो है वही दिखाना है। इधर आओ, घर दिखाएं। सबसे पहले ये वो जगह जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं क्या? और ये बाबा ने जो है ना पौधे लगाए हैं थोड़े से, और ये हमारा सहन घर का, और ये एयर कूलर पड़ा हुआ है। कभी कभी रात को हम लोग बाहर सोते हैं। गंदम वाला वो क्या कहते हैं इसको पंजाबी में, तो बड़ोला कहते हैं, खाली है लेकिन इसमें गंदम नहीं है। और ये मेरी बाइक है, ये थोड़ी पुरानी होगी, इसका थोड़ा सा काम वगैरह भी करवाना है, मैकेनिक के पास लेके जाना है इसको, तो जब तक नहीं लेके जाता तब तक ऐसी है। ये पौधे में फूल लगे हैं चमेली के, ये देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारा जो है ना सेंटर वाला कमरा, मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा ओपन किया था, इसमें ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। और ये इस रूम में भी कभी कभी हम लोग सो जाते होते हैं। ये जो है ना एयर कूलर पड़ा हुआ छोटे वाला, ये वो सोलर प्लेट पे चल जाता है, एक सोलर प्लेट होती है ना, क्या कितने वाट की होती है मुझे नहीं याद। ये एक बड़ा रूम, और ये वही आवारा गर्द लड़का, एक रूम वो है, ये दोनों रूम सेम ही है, एक वो रूम हो गया और एक ये रूम हो गया। इस रूम में जो है ना मैं ज़्यादातर रहता हूँ, ये मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, इसको मैं अभी सेटिंग करता हूँ थोड़ी सी, हैंड फ्री वगैरह, मेरा बैग और मेरा फ़ोन, और एक और चारपाई रखी हुई है। ये रूम सिंपल सा है थोड़ा, और बस यही छोटा सा सेटअप है हमारे घर का। और ये जगह पता कौन सी है? ये जहाँ पर मैंने अपने आईफोन की अनबॉक्सिंग की थी, आईफोन वाली वीडियो याद है ना, जिसने मेरा ब्लॉग देखा यूट्यूब, तो ये वही सेम जगह, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था ये ऐसे करके बनाई थी, और वीडियो बनाने वाला यही बंदा था, ये जो आवारा गर्दियाँ करते हैं सारा दिन। इसको सुधारते हैं थोड़ा सा, एक दो दिन लगेंगे बस। और ये मैं हूँ, सब कुछ मैंने ऐसे पर अपना टाइम ज़ाया कर करके बड़ा हुआ, लेकिन ये है कि मैं घर में रहता था, मैं बाहर नहीं कहीं घूमता, लेकिन ये जो बच्चा है ये बाहर घूम घूम के अपने आप को ख़राब कर रहा है। इसको सेट करते हैं, ये इसका कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, तो ये नहीं लेनी है अभी, एक दो दिन में बाय करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, ऐसे आ जाएँ फिर बाय करता हूँ, सही है? एक अच्छी सी ले दूंगा आपको जो आपका काम कर देगी, और बस ये छोटा सा होम टूर खत्म हो गया बस। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। वबनंतु अना अन्नी बिदालिक हुस्तु गिना फवजदतु अन्नी खासिर फतिल्क मज़ाहिर।